मधेपुरा जिले के अंतर्गत चौसा प्रखंड में ग्राम पंचायत चौसा पूर्वी के पंचायत भवन में कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन माला कुमारी माननीय मुखिया प्रतिनिधि अभिनंदन कुमार मंडल ने किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कृषि बिल को लेकर अभिनंदन कुमार मंडल ने किसानों को नवीनतम तकनीकी से रबी की खेती करने की सलाह दी और इसी दौरान ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया गया। कृषि कर्मी और सभी किसान इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सुमन कुमार, सुनील कुमार, कुंज बिहारी शास्त्री, स्वतंत्र कुमार पासवान, राजकुमार, राम ज्योतिष मंडल आदि किसान मौजूद रहे। यहाँ कृषि सलाहकार आ सकते थे और इस बीच में साल भर के लिए हमारे बीच क्या नाम था धीरज जी, धीरज कुमार पासवान जी आए थे। अभी अभी दो दिन के लिए चक्कर भी आया, पता नहीं क्या कारण हुआ, उनको फिर हटा दिया गया और नए कृषि सलाहकार धीरज जी है, स्वतंत्र पासवान जी आए हैं। अगर है तो स्वतंत्र पासवान जी खड़े हो जाइए ताकि सभी किसान आपको पहचान पाए। नहीं है व्यवस्था में लगे होंगे। खैर, तो मेरे कहना है सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं मिलती है कृषि सलाहकार जी तथा उनसे आए उनके इस कृषि विभाग के जो भी पदाधिकारी आए हैं और जो बगल में कृषि विभाग के कार्यालय हैं सुनते होंगे, तो मेरी करबद्ध विनती है, प्रार्थना है, किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए, सरकार से जो सुविधाएं मिलती है, आप बेशक उनको लाभ देने में सहयोग करें। अभी हाल में जानकारी मिली कि ऑनलाइन कीजिए, हमारे मंत्री जी से बात हुई थी, पूर्व मंत्री जी नरेंद्र राव से हमारी बात हुई थी इधर दो दिन पहले, बताया कि इतने हजार इतने करोड़ रुपये अपने जिला के लिए आवंटित हुआ है, राशि हम भूल रहे हैं, लंबी राशि कटा है, सबको मुखिया जी ऑनलाइन करवाइए। हमने व्हाट्सएप तो दिखाया था, उसमें लगभग 125 आदमी जुड़े हुए हैं, जानकारी दिए थे कि आप ऑनलाइन कीजिए और इसे 55 से प्रति एकड़ की दर से लाभ मिलेगा। जो फसल क्षति के लिए था, बाढ़ में तो सामतिक रूप से पैसा पूर्वी को भी दिया मिला और उसका लाभ पैसा पूर्वी को भी मिलना है। तो आज अंतिम डेट है ऑनलाइन का, तो अगर ऑनलाइन में परेशानी होती है तो मेरा मानना कृषि सलाहकार का ये दवाई तो बनता है कि उनकी सुविधा कैसे आप बहाल कर सकते हैं, उन्हें क्या मदद कर पाते हैं, उनके दुख सुख को जानकारी लेकर के आप ऑफिस तक अपने कृषि कार्यालय तक रखें पास को, फिर हम लोग मीडिया में डालेंगे, आगे उसको बढ़ाएंगे, जिला पदाधिकारी तक बात जाएगी, उससे भी होगा तो सरकार तक बात पहुंचाई जाएगी। आप इसको रखें, किसानों से किसी प्रकार का पैसा ठगी नहीं करें, नहीं करने दें, हम आपके साथ हैं ऐसे कार्यों में। ये नहीं कि माइक लेकर लंबा लंबा भाषण मार दीजिए, उधर जाइए बिना 100 रुपये लिए उसका ऑनलाइन नहीं होगा, बिना 1000 रुपये दिए कोई उसका काम नहीं होगा, 1000 रुपये दिए उसका काम नहीं होगा, ऐसे सिस्टम को बदलिए। मैं सावधान भी कर देना चाहता हूं यहाँ के कृषि कलाकार को, मुझे भी अगर जानकारी मिलेगी कि आपने किसी किसान से पैसा लिया तो हम आपके लिए विरोध विपक्ष में खड़े रहेंगे, आपके विरोध में कलम खोल कर बैठे रहेंगे। किसी किसान से रिश्वत नहीं लीजिए, किसान ऐसे मर रहा है और मारने का कोई प्रयास नहीं कीजिए। और मेरा ऐलान है हम जिस दिन बुलाना चाहेंगे तो 5000 लोगों को बुलाकर खड़ा कर देंगे और यहाँ फिर इसके लिए किसान के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे। यहाँ किसान को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो इनके ऊपर आप देख रहे समय, आप कृषि सलाहकार हैं, किसान के सलाहकार हैं, किसान को सुविधा देने के लिए सरकार के आप अंग बने हुए हैं, किसान के अंग बने हुए हैं, एक माध्यम बने हुए हैं कि सरकार का जो लाभ है, सरकार जो किसान के लिए लाभ दे रही है, सरकार से ये लाभ किसान तक कैसे पहुंचे समुचित तरीके से, ये आप एक केवल माध्यम बने हुए हैं, नहीं तसली, किसी प्रकार का तसली नहीं। अगर बीओ साहब के द्वारा तसली की बात होती है तो हम कहते हैं, विश्वास दिलाते हैं चौसा पूर्वी की सभी किसान को, हम बोलते हैं सभी किसान एकजुट एक नारे होकर के हम लोग यहाँ कम से कम ब्लॉक में नारा जमाव मजबूत कर देंगे और ये आवाज सरकार तक पहुंच जाएगी। इसको रोकने का बढ़कर प्रयास कीजिए। बहुत दुख होता है जब किसानों को लिया जाता है, कहाँ यहाँ इतना रुपया दीजिए सब आपका ऑनलाइन हो जाए, ये दीजिए सब आपको किसी तरह का पैसा मिलेगा, सब ये नहीं तो आपका फसल कहाँ डूबा है, पैसा दे दीजिए तो फसल डूब गया।
अरे यार सरकार लाभ दे रही है, सरकार का लाभ मिलना चाहिए किसान को, इसमें मदद कीजिए, चाहे हमारे पीओ साहब हो या फिर यहाँ जो भी पदाधिकारी ऐसे लोग हो, सरकार लाभ दे रही है तो लाभ उनको दीजिए ना। इसमें क्या कटौती कर रहे हैं, इसमें 50% कटौती कर दीजिए, यहाँ हमको दीजिए, इतना पैसा कब आगे मिलेगा। इस पर रोकिए रोकिए, जब आप बोल रहे हैं सरकार में मर रही है, हमारे किसान ऐसे हैं, किसान आना चाहता है, ये है, ये केवल शासन नहीं, सरकार चाहती है कि हमारे किसान तक हमारे लाभ पहुंचे, ये लाभ हमारे किसान तक पहुंचे, सरकार चाहती है। बीच के लोग इसको बर्बाद करना चाहते हैं, लूट लेना चाहते हैं, तो हमारे किसान को चाहिए कि इस पर जगे, जग कर अपना लाभ लें, एक नहीं होता तो संगठित हो जाए। आप संगठित होकर 100 आदमी अगर यहाँ जाइएगा तो 1000 यहाँ जमा हो जाएगा कि देखिए हमारे पास है, सब कुछ होता है, आपको 25,000, 50,000, 1,00,000 रुपये वेतन मिलता है। आप अगर 6,000, 5,000 प्रति काम कर रहे हैं तभी आप जुड़े हुए हैं, आप माध्यम बने हुए हैं, हमारे किसान भाइयों को जितना हो सके उस लाभ पहुंचाइए, ऊपर वाला आपको मदद करेगा, उनका आंसू पोछिए, आपका दर्द दूर होगा, आपका स्वतः दर्द दूर हो जाएगा। आप किसान के साथ जुड़ जाइए, हमारा क्षेत्र गरीब क्षेत्र है, इसलिए जो हो सकता है जितना हो सकता है उतना मदद कीजिए। आप हमारा तो ये कहना है, कई जगहों पर कोई जारी पात्री थी, आप इस जमीन के लोग, छोड़िए सरकारी कर्मी की बात, हम आपको कहते हैं आप जमीन के लोग, आप बहुत बारीकी से अध्ययन किए हैं बहुत केंद्रों पर, और आपका इसी भी आग्रह करेंगे कि हमारे भी जो कर्मी आते हैं किसान के साथ जुड़े हुए लोग, उनसे आप निश्चित रूप से उनकी मदद जितना हो सकते हैं ऑनलाइन करने में हो या जिस किसी माध्यम से हो, हमारे बीच एक्सिक्यूटिव असिस्टेंट बैठती हैं, ये हमारे बीच हैं यहाँ ऑफिस में चौसा पूर्वी कार्यालय में आर्टिकल बैठती हैं, ऑनलाइन के लिए ये फ्री बैठ कर यहाँ रहती हैं, आपके मदद के लिए हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा ऑनलाइन के लिए, कोई पैसा नहीं लगता, जो हो सकता है कार्यक्रम पंचायत स्तर से उसमें कहीं किसी से पैसा लेने की कोई बात नहीं होती है, अगर हो तो एक लाइन में हमारी बात सीधे सीधे पैसा खर्चा करके आप बोल दे हमको ऐसा कुछ हो रहा है, बस वही मेरे लिए काफी हो जाएगा। पंचायत में स्टाफ बैठ रहा है, इनका काम है आपका मदद करना, ऑनलाइन करना, जो भी करना जो संभव होता है वो सारा चीज आपकी मदद के लिए काम किया जाएगा। आप यहाँ से भी ऑनलाइन कराएं, आप जो भी काम होता है सरकार के टीएस काउंटर पर, वहाँ ये हमारे कर्मी लगे हुए वो काम करेंगे, सरकार के लिए प्रतिनिधि किया है इनको। तो ये मेरा अनुनय विनय विनती है कि जो सरकार के द्वारा लाभ है किसान तक पहुंचे, और किसान भी बेवजह इसे हट करके उधर पे मुखिया जी जिधर बात हुई है पीछे से 200 रुपया पहुंचा दिए, नहीं कीजिए, लाभ मिलेगा, प्योर मिलेगा, जो मिलने वाला वो लाभ मिलेगा। हम इन तमाम बंधुओं को पकड़ेंगे, कहेंगे आप मदद कीजिए, और करेंगे, लोग करते हैं मदद। तो हमारा ये कहना कि किसान भाइयों को समुचित लाभ मिले इसके लिए निरंतर प्रयास हो, हम आपके साथ हैं और बने रहेंगे, निरंतर बने रहेंगे आपके साथ, हमारे कोई भी कर्मी आपसे पैसा लेने की बात नहीं करते हैं, मदद करने का जी भर प्रयास होता है, जो समय मदद होगा आपको मिलेगा। धन्यवाद किसान भाइयों, आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे HBN News।